सरपंच ने जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम सरपंच की ओर से बहुत आई एम वेरी हैप्पी। गुंडागर्दी कर रो काम वाल्मीकि मोहल्ले में थे और वहाँ हमारा खूब बढ़िया करो वाल्मीकि मंदिर की गली बढ़िया बना दिए, कोई शिकायत नहीं। सदेव सरपंच ने वाल्मीकि समाज के 3-4 रास्ते बनवाए हैं, बहुत बुरा हद्दब था यहाँ पर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। राम राम, जय श्री राम साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा प्रोग्राम है पंचों का इंटरव्यू, और जैसा कि आपको मालूम है पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर पंच और सरपंच और नेता आते हैं जो आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो आज पंचों के इंटरव्यू प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सदेव भाई, जो कि गांव सौंद के सरपंच हैं फिलहाल। सबसे पहले मैं लालदास बाबा के चरणों में और बाजार देवता के चरणों में प्रणाम। बहुत ही अच्छी बात। साथियों, सदेव भाई सरपंच बने थे बीच में, जैसे कि जो हमारे गांव के पुराने सरपंच थे वो सस्पेंड हो चुके थे किसी कारणवश, तो उसके बाद मेंबरों ने इकट्ठा होकर सदेव भाई को सेलेक्ट किया था। तो बीच में इनका कार्यकाल 3-4 महीने का ही रहा है, तो 3-4 महीने में इन्होंने जो भी कुछ कार्य किए हैं उन सभी कार्यों के बारे में आज सदेव भाई यहाँ पर जनता के सवालों के जवाब देने के लिए आ गए हैं। यानी कि इनसे बहुत सारे सवाल जवाब जनता के द्वारा पूछे जाते हैं, तो उनके यहाँ पे उत्तर देने के लिए सदेव भाई आए हैं। और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या वो 3-4 महीने के छोटे से पीरियड में आप लोगों की सेवा में कर पाए हैं, उन सभी का ब्यौरा लेकर आपके सामने आपके समक्ष सदेव भाई प्रस्तुत हुए हैं। तो सदेव भाई, और मैं पूरे हमारे जो गांव के बुजुर्ग हैं, शोभा हैं, माताएं हैं, बहनों हैं, उनसे मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर अब तक मुझ पे पंचायत में कोई काम करने में कोई गलती हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। तो साथियों, यहाँ पे हम पहले तो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सदेव भाई के कामों के बारे में कि इन्होंने अब तक क्या क्या काम किए हैं गांव के लिए। उसके बाद जैसे ही कामों का वर्णन हो जाएगा उसके बाद जनता के आरोप जो इनके ऊपर लगाए गए हैं उनको यहाँ पे सुनेंगे, और जो जनता ने प्रश्न किए हैं इनसे उन प्रश्नों के जवाब सदेव भाई देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने काम क्या क्या किए हैं गांव के लिए। तो सदेव भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने स्कूल के लिए कुछ किया है अभी तक? स्कूल के लिए हमने वहाँ पे क्या है कि पहले बच्चे थे वहाँ, जैसे स्टाफ ने बताया हमें कि वहाँ जैसे राशन मिलता है बच्चों को, हाँ। और वो जैसे खाते हैं हाफ टाइम में, तो वहाँ क्या था कि हवा चल रही हल्की सी, तो रेत जैसे रेत एकदम उड़ के तो खाने में आ जाओ। तो गुरुजी ने, प्रिंसिपल सर ने और सतपाल सर, रोहतास सर, सब ने इन्वाइट करियो और हमारी पंचायत बुलाई। तो उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखे कि ऐसे थोड़ी सी या ईंट लगा दी हो या गंदगी थोड़ी सी मिटा दी हो। अच्छा। तो हमारी पंचायत ने फिर उसके 3 दिन बाद ही वहाँ स्कूल में उनके स्कूल के स्टाफ के प्रस्ताव पे काम करियो, और आज वो बच्चे स्टाफ सारा खुश है, सभी खुश हैं। बहुत ही अच्छी बात है, और काम करने भी चाहिए। ग्राम पंचायत सोनदत्त ने, इसके सरपंच श्री सत्यदेव जी हैं, उन्होंने हमारे विद्यालय में पंचायत की तरफ से टाइलिंग का काम करवाया, जो कमरों के चारों तरफ भी है और कुछ बच्चों के आने जाने के लिए के रास्ते के तौर पर भी हैं, जो हमारे ग्राउंड में लगाई गई हैं, और उससे हमारे विद्यालय के सौंदर्यीकरण में तो बढ़ावा हुआ ही है। इसके साथ साथ में विद्यालयों के विद्यार्थियों के आवागमन के लिए भी है, जिससे कि कोई भी बरसात के मौसम में कीचड़ होती है तो विद्यार्थी बिल्कुल सीधे बहुत ही सहूलियत से अपने अपने कमरों में पहुंच सकते हैं, और इससे हमारे विद्यालय की एक गरिमा बढ़ी है, विद्यालय का सौंदर्यीकरण बढ़ा है, ग्राउंड में एक अच्छा निखार आया है, और हमारे
विद्यालय के जो भी बच्चे हैं या विद्यालय का जो स्टाफ है वो सभी एक तरह से ग्राम पंचायत का काफी आभार भी व्यक्त करते हैं कि सरपंच साहब ने काफी अच्छा काम हमारे विद्यालय में करवाया है, टाइलिंग लगवा करके खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ ही हमें एक सहूलियत भी प्रदान की है इसके लिए, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। साथियों, आज तक सोंदगांव के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी सरपंच ने अपना हिसाब किताब दिया हो या फिर किसी सरपंच ने ये बताया हो जनता के बीच में आकर कि हमने ये काम किए और ये हमारे ऊपर जो हमारे पास इतना पैसा आया और हमने ये काम किए। लेकिन सदेव भाई यहाँ पर आए हैं, इन्होंने पहल की है, इससे हमें उम्मीद है कि सभी सरपंच जो भी आगे सरपंच बनने वाले हैं या जो भी बनने की इच्छा रखते हैं, जो भी बने वो भी अपने जो भी विचार हैं यानी कि अपने जो भी काम हैं उनको जनता के सामने लाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न है सदेव भाई आपसे, पानी की व्यवस्था के बारे में बताएं थोड़ा सा, पानी के लिए आपने क्या संघर्ष किए थे, कई बार पानी नहीं आता, करमन से लाइन टूट जाती है, क्या इस विषय में आपने कोई कदम उठाया? जब हमारी नई नई पंचायत बनी तो गाँव में बहुत बड़ी समस्या आई, सभी लोगों को पता है, तो हमने वहाँ पूरी लाइन देखी यहाँ से करमन बॉर्डर तक, तो कई जगह लाइन वहाँ टूटी पड़ी, हमने तुरंत वहाँ प्रशासन की मदद लेके हमने भी कोशिश करी और प्रशासन ने भी कोशिश करी, वो लाइन 4-5 जगह तो टूटी पड़ी। अच्छा, कोई अच्छा। कोई कर्मचारी कह दियो यू 6 महीना तो टूट रही है, कोई कह दो 1 साल तो टूट रही है, मैंने कि भाई वाद विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है या रोको, फिर हमने वो जाके वहाँ रुकवाई, ऐसी जगह ही वहाँ JCB जाने में भी बहुत कठिनाई हुई, सही बात, कम 2 किलोमीटर नाले के मेंढे मेंढे चली वहाँ, बहुत ज़्यादा कीचड़ी, क्यों चौमासे को टाइम तो उनने फिर बहुत संघर्ष करो वहाँ, एक दिन तो वहाँ जैसे रोक रहे वहाँ लीकेज है, कम से कम 6-7 तो सैंप लग जाए। अच्छा जी। फिर भी उनने वो मेहनत करके कर्मचारी इनको हम इस मेहनत करी उनने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करें और प्रशासन को बहुत धन्यवाद है, जो हमारी अब फिलहाल पानी बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। हाँ चलो, बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि पानी की दिशा में भी आपने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। अब सदेव भाई बात ये आती है, स्कूल के लिए आपने काम तो करवाए हैं लेकिन आपने स्कूल का नाम बदलवाया था, जो हमारा सरकारी स्कूल है उसका नाम बदलवाया था, तो नाम बदलवाने से क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं, क्योंकि कुछ जनता ऐसी भी है जो ये कहेंगे कि नाम बदलवाने से क्या होता है, इससे कौन सा समाज सुधार होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सत्यदेव भाई आपको बताना चाहेंगे। स्कूल का नाम चेंज करने से सबसे ज़्यादा हमें देश प्रेम की भावना बढ़ती है, बच्चों में देश प्रेम की भावना बढ़ती है। किन के नाम पर चेंज करवाया आपने स्कूल का नाम? शहीद ऋषिराज के नाम पर स्कूल को चेंज करवाया है। आपके नाम में कोई शहीद हुए थे? हाँ, हमारे गांव में पहले शहीद ऋषिराज जी शहीद हुए हैं। अच्छा, उनके और उनके नाम पर ये स्कूल का नाम चेंज करवाया है। तो क्या फायदा होता है जिससे? देश प्रेम की भावना बढ़ती है। अच्छा, इससे बच्चे सोचेंगे कि वो देश के लिए लड़े हैं, हम भी देश के लिए लड़ेंगे, आगे हम भी फौज में जाएंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे और अपने गाँव की रक्षा करेंगे। बहुत ही अच्छी बात। तो साथियों, इस सवाल का जवाब ये सही है बिल्कुल, क्योंकि लोग जो हमारे बच्चे होते हैं या फिर हम भी होते हैं, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना कब जागृत होती है? जब हम जीवनियां पढ़ते हैं भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की, कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया और देश के लिए मर गए मिट गए, तो हमारे अंदर एक देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। उसी तरह से जो बच्चे होते हैं स्कूल में, वो नाम को देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये नाम किसका है, तो वो सोचेंगे कि ये हमारे गांव के फौजी का है, तो उनके दिल में भी एक देश प्रेम की भावना जगेगी कि हम भी फौज में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, जिससे कि हमारा नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में कहीं ना कहीं लिखा जाएगा, तो ये इससे थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है। अगला प्रश्न है आपसे सदेव भाई, आपने पार्क के लिए बोला था, उसकी क्या स्थिति है फिलहाल, उसका उद्घाटन हुआ है या नहीं हुआ, या काम चल रहा है या नहीं चल रहा है? पार्क का उद्घाटन हुए करीब 15 दिन हो चुके हैं। अच्छा, सभी ग्रामवासियों को पता भी है, काम चल रहा है। अच्छा। और वहाँ सभी लोग खुश हैं, पूरा गांव खुश है कि कुछ रास्तों से हटके हमने कुछ अलग कुछ सोचा है, क्योंकि पहले क्या है गांव में रास्ते ही रास्ते बने हैं। हाँ। उसके बाद कोई नया काम कुछ किसी ने सोचा ही नहीं। सही बात। सोचा भी होगा। हाँ। तो उन्होंने किया नहीं। सही बात है। लेकिन वहाँ फिलहाल काम चल रहा है पार्क पर, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। आवाज ले को भैया मेरी, बहुत कहीं बुलवाने में तो कहीं बढ़िया काम है, एक बड़े सहयोग दे और जो बस्ती को काम। बार बार क्या कहना चाहो? सरपंच ने जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम सरपंच की ओर से बहुत आई एम वेरी हैप्पी और गांव का भी सहयोग कुछ होना चाहिए और बढ़िया काम चल रहा है फिलहाल।
भैया बहुत बढ़िया काम चल रहा है, सरपंच के बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा पार्क बना रहा है सतदेव सरपंच। सरपंच बहुत बढ़िया काम कर रहा है, गुंडागिरी कर रो काम अखबार में कुछ बारे में कुछ राय चाहिए पार्क के बारे में। बहुत बढ़िया काम है जो गंदगी काम की साफ है की है और सबको सामू हुई की अच्छी है। कोई भी संस्था ऐसी कोई मीटिंग कोई भी सभा कुछ भी कोई शादी समारोह कुछ भी कर सकेगी। यहाँ पे सब बहुत बढ़िया खुश है लोग, यहाँ के जो साफ सफाई गंदगी मिटी है यहाँ से तो सब लोगों को समर्थन है। बात में उनका सरपंच साहब को पूरा सहयोग है। कौन सा सरपंच करवा रहा हूँ ये काम है गंदगी मिटाई है। हम आखिर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है गोले सरपंच साहब पहले राम जी ने गोरे बनाए थे, उसने गोरे नहीं बनाए। ये कहा नाम भाई साहब सचदेव ने गोरे बनाए, सरपंच साहब अभी हुए हैं साढ़े इसे बहुत बढ़िया काम करा हमारे पास भी और सब नरक मिर्च दिया यहाँ पर सब सब भाई राजी है। हमने बस्ती के पंचायत सर महिंदा काम ठीक ठाक है, काम बहुत बढ़िया ठीक ठाक काम है, कोई चिंता दिमाग कैसे तो साथियों हम लोगों से भी बात करना चाहेंगे पार्क के बारे में, तो आपके सामने वीडियो है, कुछ लोगों से बातचीत की है। अगला प्रश्न है सदेव भाई आपसे, गांव में आपने सफाई भी बहुत करवाई है, सफाई का क्या हाल चाल है फिलहाल आपके गांव में? गांव में सफाई करवाई है और अच्छी तरह करवाई है। कुछ हमने जो सरकारी कर्मचारी हैं वे भी गाँव में सफाई कर रहे हैं और प्राइवेट आदमी को सबने अपनी तरफ से लगाए हुए हैं और उनकी प्राइवेट कर्मचारियों को ये नहीं है कि पंचायत से पैसा दिया है, हमने अपने जेब से पैसा दिया है। अच्छा अच्छा हाँ जेब से और वो लोगों को सब पता चल जाएगा आगे जब हम हमारा जो कार्यकाल पूरा होगा तो हम चाहेंगे कि पूरा गांव हम तो हिसाब ले और हम गांव में हिसाब दें। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि सफाई भी आपने अच्छी तरह से करवाई है जितना आपसे हो सका है। और ये आपने भी देखा होगा साथियों जो सौंद गाँव के निवासी हैं, सदेव भाई ने सफाई पर बहुत जोर दिया था और अच्छी तरह से गांव के कोने कोने में सफाई करने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन ये बात भी सत्य है कि सफाई आज कर दोगे कल फिर से कूड़ा हो जाएगा, कल कर दोगे परसों फिर से कूड़ा हो जाएगा। जब तक हर आदमी अपने घर के सामने से ये प्रण नहीं करेगा कि हमें एक दिन में या दो दिन में गंदगी ख़त्म करनी है, खुद करनी है, खुद करनी है, जब तक गाँव स्वच्छ नहीं रह सकता, देश स्वच्छ नहीं रह सकता। इसलिए हमें प्रण करना चाहिए कि हमें अपने घर के सामने से गंदगी हटानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कही है सदेव भाई ने कि सफाई करने के लिए हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। हम ये इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई सफाई करने के लिए आएगा, कोई हमारे घर के सामने से साफ करेगा। भाई हमारे घर के सामने अगर कूड़ा करकट है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसको साफ कर सकें। ठीक है कर्मचारी होते हैं गांव के, वो भी अपना काम करते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने दामन में झांक लेना चाहिए कि हम कितना देश के लिए योगदान देते हैं, हम कितना समाज के लिए योगदान देते हैं। पहले अपनी तरफ भी देखना चाहिए फिर आरोप लगाना चाहिए। सदेव भाई, सरपंच साहब, गाँव में गंदगी बहुत थी पहले और नालियों को भी आपने साफ़ करवाया, रास्तों को भी साफ़ करवाया, रास्तों को भी जगह जगह में बनवाया, सफाई करवाई, लेकिन फिर भी जो गंदगी है वो मिटी नहीं, ये लोगों का कहना है। तो इसके बारे में आप क्या कुछ उन कर्मचारियों से कहना चाहोगे जो वर्कर्स हैं कि वो अपना समय पर काम नहीं करते या फिर समय पर आते नहीं हैं, या फिर आप फ़ोन भी करते हो फिर भी वो आते नहीं कई कई दिनों तक, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहोगे कर्मचारियों से? हमारे गाँव की लगभग पूरी जनता पढ़ी लिखी हुई है, वे एक बार ये सोचे कि एक गली में कितने दिन लगते हैं सफाई करने में। हाँ। तीन दिन चार दिन। हाँ। लगभग हमें दो महीने ढाई महीने, हमारी नई जो पंचायत है वो ढाई महीने ही लगभग बने हुई हुआ है। हाँ। गली हमारे गांव में कम से कम मान लो 100 मान लो 90 मान लो, अगर एक गली में तीन तीन दिन भी लगेंगे तो 270 दिन होते हैं। 270 दिन में लगभग गली ही बनेंगी। नौ महीने होते हैं। हाँ।
सफाई कर्मचारी भी ठीक है, कभी कभी वे भी ओडो मार जाए, भैया हो जा रहे हैं वो जा रहे हैं। आजकल आप पता हो देश में कोई रूल रेगुलेशन तो है ना, अगर सरपंच के पास ये हो कि बात कर्मचारी ने हटा दो, अगर पावर हो तो जन कब के हट जाते बेचारे हुए, ठीक है। लेकिन वो काम करने में फिलहाल ठीक हैं, अब बुलाएं, अभी दो तीन दिन पहले थोड़ी समस्या ही और अब ठीक है, काम पर लौट आए और काम कर रहे हैं, गांव में सफाई भी चल रही है। अच्छा। और बीच में क्या दिक्कत थी कि हमारे गांव में जो ब्रज परिक्रमा है, जो ब्रज भूमि है हमारे, जो ब्रज परिक्रमा हमारे गांव से होकर गुजरती है, हाँ। और वहां हमने ब्रज परिक्रमा में जगह जगह सफाई करवाई, हाँ। भंडारे चले, अब भंडारन में एक चीज़ बताओ, भंडारन में तो भैया कहीं से फ़ोन आ जाते, एक चीज़ बताओ वहाँ ज़रूरी है या गांव में कोई आदमी फ़ोन करे भाई हमारे घर का गंदगी है रही है या साफ करो, ब्रिज परिक्रमा बार बार तो आवेना है। सही बात है। तो इसलिए हमने वो ब्रिज परिक्रमा की सफाई करवाई, गांव में थोड़ी उस टाइम कम सफाई हुई लेकिन उससे पहले हम सफाई करवा चुके थे। सही बात। अब बाद में फिर अब रेगुलर चलेगी सफाई, रेगुलर चलेगी, हाँ। तो साथियों चलो ये भी बात सही है कि ब्रिज परिक्रमा वालों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है कि जिस तरह से सरपंच को राइट टू रिकॉल के द्वारा हटाने का प्रावधान किया गया है कि अगर सरपंच अच्छा काम नहीं करता तो उसको एक साल में बदल दिया जाएगा, दोबारा से चुनाव कर दिए जाएंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या कर्मचारी भी अगर अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं तो उनको भी क्या हटा देना चाहिए या उनकी सैलरी बंद कर देनी चाहिए या फिर कुछ और कोई कदम उठा देना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे जवाब मांगता हूँ और कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। दूसरी बात, मैं सफाई कर्मचारियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप गरीब लोग हो भाई, आपकी गरीबी को देखकर किसी सरपंच ने पंच ने आपको इस काम पर लगा दिया जिससे कि आपका गुजारा हो सके, लेकिन अगर आप अपने काम में कोताही बरतते हैं ज़बरदस्ती जानबूझकर और कहीं सफाई नहीं करते हैं तो ये आप गांव की जनता के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। ज़्यादातर आप कहते रहते हो कि हमारे साथ नाइंसाफी होती है, लेकिन अगर आप अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते हो तो आप भी गांव की जनता के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और जबकि जनता सर्वोपरि होती है, जनता के सामने ना कोई नेता बड़ा है, ना कोई पंच बड़ा है, ना कोई सरपंच बड़ा है, जनता सर्वोपरि है हमारे देश में, जनता की सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने अपने कर्तव्य को सभी लोग, सफाई कर्मचारी भी, पंच सरपंच भी, मेंबर भी, ब्लॉक मेंबर भी, नेता लोग भी, अपनी जो भी कार्यवाही है, अपना जो भी कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से निभाएं जिससे कि इस समाज का, इस देश का उत्थान हो सके, यही हमारी गुजारिश है आपसे। अगला प्रश्न है सदीप भाई, नगला है जो सुंदर नगर है उसके लिए कुछ काम किया आपने, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सुंदर नगर में लगभग कुछ रास्ते जो पहले बने पड़े और जो बम्बे की जो पटली पे है उसमें थोड़ा वाद विवाद चल रहा है और उसमें रास्ता हमने जो बनवाया है और एक रास्ता थोड़ी सी नंगला से हट के प्लॉटिंग में है। अच्छा। उस रास्ते पर भी काम चल रहा है। हाँ। अरे भैया यहाँ तो किचड़ रहे हो और लिपड़ो ना जावे हो, या वजह से यही बना दी, बढ़िया बढ़िया करो, एहसानदार हम यहाँ बना दिए, जो यहाँ बूढ़े आज पर कई बार गिर गए, यहाँ इतना किचड़ रहे हो, ट्रेन के बन जावे लीक। कैसा हाल परेशानी जी भैया, यार खूब 5-7 दिन साल से, 8-10 साल, 8-10 साल पे परेशानी परेशानी है। तो आप कौन सरपंच ने बनाया हो जी? सदेव सरपंच नए हो? और डेंटिंग पेंटिंग भी करवाई एक चौपाल पे। तो वहाँ भी, हाँ, और नंगला के लोग खुश हैं, खुश हैं नंगला। हाँ।
यानी कि चौपाल को भी सुधरवाया है और वहाँ पर रास्ता भी कोई सही करवाया है। अभी थोड़ा ऐसा है, ग्रांट कम है, जैसे ही ग्रांट आ जाएगी नगरा में भी और गांव में भी और विकास कार्य और करवाएंगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और ये मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, टाइम पीरियड जो मिला था सिर्फ 3-4 महीने का मिला था, 3-4 महीने में तो अकाउंट को चेंज करने में ही लग जाते हैं, ये भी बात सत्य है बिल्कुल। अगली बारी आती है अम्बेडकर भवन का क्या हुआ, अम्बेडकर भवन भी है शायद आपके गाँव में बनवाया आपने, करवाया कुछ उसके बारे में बताया। अम्बेडकर भवन है, उसमें सभी समाज ने इकट्ठे होकर पूरे गांव के कुछ पंचे वहाँ पहुँचे, घर बन की या काम हम काम करवा दें, मैंने कहा भैया ठीक है मैंने कहा हम करवा देंगे, जैसे भी जिस काम की बाउंड्री की या और कुछ काम की जो जरूरत थी उसमें वो अम्बेडकर भवन हमने काम करवाया। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। और काम सभी जातियों के होने चाहिए, इसमें जाति नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि सरपंच के लिए पूरा गाँव उसके बच्चे के समान होता है, जनता के समान होता है, परिवार के समान होता है। तो ये बहुत अच्छा काम किया सत्य भाई ने। अगला प्रश्न आपसे ये है कि वाल्मीकि मंदिर का रास्ता आपने बनवाया। अब वाल्मीकि मंदिर का जो रास्ता है वो लगभग 4-5 साल से, अच्छा, उसमें निकलना भी दूभर था। अच्छा, वाहन का कोई प्रोग्राम भी रहता था मंदिर में तो जैसे बाहर के रिश्तेदार आवे तो भाई जो कहे यार बहुत ख़राब रास्ता है यहाँ, तो हम तो जो कह रहे सौंद गांव में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। पास पास ना बेटा, ये जो गली बनाई है ना, जो गली बनी है राजेंद्र, नहीं दे रहे तो अपने कोई बयान देने को। हाँ, जो हमारी यहाँ सरपंच ने सतदेव ने बनाई है, बढ़िया बनाई है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारी वाल्मीकि मंदिर की गली बढ़िया बना दी है, कोई शिकायत नहीं है। हाँ, हमारी 3-4 गली बढ़िया बनाई है। ठीक है, हाँ वो आप बोल दे, आप बोलो सदेव सरपंच ने बहुत बढ़िया काम करो, हमारी गंदगी सब मिटा दी है वाल्मीकि गली में, हम बड़े धन्यवाद दे रहे। ठीक है, भैया जो नया सरपंच बनो आप क्या कहना चाहो उसके बारे में। हमारे कहना है हमारे माननीय सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो रास्ता बहुत बढ़िया बनवा दी। पहले हमारी जो यहाँ से बाइक जाती थी तो कई बार पंचर हो जाती थी, अब इतना रास्ता बढ़िया बना दिया, बिल्कुल जीच रोड जैसा। अब आपने दिन चले जाओ चाहे रात चले जाओ कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। ठीक है, ठीक है। माननीय सरपंच साहब ने, हमारे ने सत्यदेव मेंबर साहब ने, सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया और है। आगे भी उम्मीद है इनसे कि हमारे गांव में नई तरक्की लाएंगे, नई युवाओं के लिए रोजगार भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ठीक। और बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बनाए जा रहे हैं। पहले हमारे गांव के जो हमारे जो रिश्तेदार सारे वो आते थे तो बताते थे आपके गांव में इतना गंदा रहता है ये वो सब, मतलब बहुत ज्यादा वो बताते थे। अब ये बोलते हैं बहुत अच्छा कर दिया है सरपंच साहब ने, बहुत नई तरक्की के साथ काम किया है। और इसके अलावा खेती बाड़ी में भी काफी नई तरक्की लाई है सरपंच साहब के द्वारा, और काफी गंद साफ किया है चारों बगल से हमारे सरपंच साहब ने। और जो जैसे बच्चे बच्चे खेलने का वो भी काफी अच्छा मैदान बना दिया, दिन रात अब बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं चाहे दिन हो या रात हो, तो कोई कैसी परेशानी नहीं है गांव वालों को इस रास्ते से। तो उनको जैसे ठेकेदार है फिलहाल विनोद ठेकेदार, हम तो विनोद ठेकेदार कहें भैया थे, और वो उनकी मिसेज हैं जो मेंबर भी हैं पंचायत मेंबर फिलहाल मौजूदा, और उनके पिताजी थे वे बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ, ओमी ठेकेदार जी। हाँ, तो मेंबर ने कही भैया ऐसे ऐसे भैया हमारी वहाँ करवाओ, वहाँ पर समाज के भी आदमी आए गए, वाल्मीकि समाज के भी और आस पड़ोस में और बरादरी जैसे बेचारे हरिजन भी है कुछ जाट भी है, वे सभी जो कहने लगे भैया इनकी मंदिर की वहाँ बना दे। सही बात है। तो साथियों अब हम यहाँ पे बात करते हैं ठेकेदार से, विनोद ठेकेदार है ना। हाँ जी, विनोद ठेकेदार से बात करते हैं, उनसे भी सुनते हैं उनका क्या कहना है इस विषय के अंदर। सदेव सरपंच ने वाल्मीकि समाज के 3-4 रास्ते बनवाए हैं, बहुत बुरा हद्दब था यहाँ पर, बहुत गंदगी थी, और बंसीवारे दरबारे में 3 रास्ते दोबारा से दरबार के बनवाए हैं। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे वाल्मीकि समाज का रास्ता भी है, वहाँ में बहुत ज़्यादा कीच रही, कोई पानी इतके ना निकल दो बेचार गरीब आदमी के ना, कोई इतके ना निकल दो। फिर हमने कही मैंने कि भैया पानी तो हम निकालेंगे, जो भैया ना निकल दे रहे हैं उनके हाथ मीन जोड़ेंगे। तो उनने सब वहाँ मनाए हमने, और फिर उसके बाद वो रास्ता बन गया, और जितके
पानी हमें बढ़िया लगे निकाल लो, इसके पानी निकल रहे हो आज बढ़िया भी खुश है लोग। जो वो फिरकी में रास्ता आता वही है शायद ये? नहीं नहीं, फिरकी वाला अलग है जी। अच्छा, ये अंदर वाल्मीकि समाज के अंदर होकर गुजरता है। अंदर होकर गुजरता है। आप क्या कहना चाहो सतदेव सरपंच के बारे में? सरपंच के बारे में यही कहना चाहिए, हमारा तो बढ़िया काम करे हो बेचारे ने, जितने सरपंच आए कहीं न करो हमारे तो हद्दा पहुंचे थी। कीचड़ रे करो पहले, भांडी भांडी। कौन सा रास्ता है जी? कौन सा रास्ता है? ये रास्ता है। अच्छा, फिर गांव की फिरकी? गांव की फिरकी। ठीक ठीक, अभी आ भाई यहाँ भाई गाड़ी गुप्ता हम फंसे रहे, बड़ी कुपित रहे जी, हम मलबो गिरते गिरते बाबर भाई गए जी हम। ठीक है ठीक है। और सरपंच कर दिया गांव को रास्ता है जो हम कितनी दिक्कत रही कर रही पहले, या जो रास्ता है गली हम कितनी दिक्कत रही कर रही थी हम। अच्छा, डर छोर मारे दिन। अच्छा जी, अब आप क्या कहना चाहे इसके बारे में सतदेव सरपंच के बारे में जी? देंगे सतदेव बनवाए। अच्छा जी, ठीक है। पहले ज्यादा दिक्कत रही गई रास्ते में? अच्छा, डंपर भी तो फंस जाए। जो बनवाया कौन है जी? जो रास्ता किस सरपंच ने बनवाया हो जी? सरपंच आप फिलहाल नए न? अच्छा, उसमें सतदेव सरपंच ने जी? ठीक है ठीक है। तो आप फिरकी के बारे में बताइए थोड़ा सा, फिरकी के लिए कुछ किया आपने? आज फिरकी ने के लिए भी कुछ किया है, वहाँ फिरनी में जैसे गांव के कुछ लोग बार बार जावे खेतन पे जा रहे वहाँ की बात बहुत बड़ा नरक है रो, हम तो भैया ट्रैक्टर धो के ले जाए और वह हमारा ट्रैक्टर रोज कीच में सन जाए। अच्छा, क्या एक दिन उनको रिश्तेदार आए वहाँ की भैया कहाँ कर आना, इनके भैया बार बार आ जाइए पूछें कौन कौन पूछेंगे भीतर कर, बार बार आए गए उनने कही भैया हम तो यहाँ खड़े हैं वह कीच की ढोर पे, तो वहाँ कर मतलब गाड़ी उनकी निकली ना वहाँ में कर जो लगा लियो, फिर मैं ट्रैक्टर लेके गयो, फिर मैंने भैया उनकी गाड़ी लेकर आई। अच्छा, फिर वहाँ के लोग के भीड़ वहाँ रहेगी। अब हम मेम्बर है उन्होंने कही बात है बोल भैया यार रास्ता बनवाओ, मैंने कि भैया सरपंच तो कहेंगे बनवाएंगे, फिर सरपंच ने पता ना किस वजह से ना बनवाई। बाकी मेरा तो ये है कि मैं पहले सरपंचन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। सही बात है। तो उसके बाद हमने सोचा कि अगर भगवान हमें टाइम देगो तो यह गंदगी जरूर मिटाएंगे, वहाँ भी लोग खुश हैं, वहाँ सभी लोगों ने इकट्ठे है कि कहीं भी आया बनवा दे, हम बनवा दिए, अब सब लोग खुश हैं वहाँ, सब खुश हैं। हाँ, आप पूछ के भी देख सको। सही बात है। हाँ, पूछेंगे तो हाँ। अभी आपके सामने लोगों का ये वीडियो आएगा, इसको देखें जरा। ऐसी बात है, अपना ना जो सरपंच जो बनवा है वहाँ ने हमारा नरक में ठहरा जी, हम तो भारी दुखी है जी, वह पुराने सरपंच ने वहाँ ना करो हमारो इतना सब काम, और या नए नए एक दिन गाओ जी वह दिन ही हमारा खंजरा बनवा दिया, हम नरक में ठा दिया जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सरपंच का नाम क्या सर? सरपंच सतदेव सरपंच ने बनवाया जी हमारो, एक दिन आई गाओ जी वही दिन आई हमारे तो नरक में मैठो ने गांव भारी दुखी जो मेरे वहां कर लेने, और दूसरे दिन आ तो वहां काम शुरू कर दियो जी हमारो वाल्मीकि मोहल्ले में थे और वहां हमारा खूब बढ़िया वो करो जी। सरपंच ने सतदेव ने जो नया बने हुआ वहां गंदगी मिटाई है। कितने परेशान है तो ही आप लगा ले, बीच में कर दिया, गिर जाए।
अच्छा पहले सरपंच ने ना करो यू ना करो बेटा। आप कौन सरपंच ने करो सतदेव ठीक है सतदेव ने करो बेटा पहले करो जब भी नाली घाटे में रहेगी रास्ता जब भी नीचे पड़ गई अब तो थोड़ी बहुत फिर भी ठीक है गंदगी ना नहीं गाड़ी वाड़ी सब की दिक्कत रही है ठीक ठीक है ठीक। तो सतदेव भाई ज़्यादातर आपके ऊपर ये आरोप है, किसी ने कहा है कि आपने जो भी काम किए हैं वो सिर्फ श्यामा पट्टी में किए हैं, माना पट्टी में कुछ नहीं किया, इस विषय के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये सभी आरोप लगाना गलत है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई इसके ज़्यादा नंबर ना बनने चाहिए सरपंच के, अच्छा। कहीं ऐसा ना हो दोबारा फिर सरपंच बन जाए। अच्छा, अच्छा। तो इसमें मैं एक बात तो ये कहूँगा कि मुझे वोटों से कोई लालच नहीं है, नहीं मैं सरपंच जी पे खड़ा हो रहा। हमने यहाँ भी माना पट्टी में भी काम किए हैं, वीर सिंह मास्टर जी वाली गली है, वहाँ डॉक्टर दलवीर जी का भी मकान है, चाचा गिरिराज का भी मकान है, चाचा कन्हैया के भी वहाँ शायद प्लॉट है। हमने कोशिश करी है काम करने की, अच्छा। वहाँ रास्ता काम भी चल रहा, वहाँ लोगों को पूछ के देखो। तो काम किया आपने माना पट्टी में भी। जयालाल जी, जो रास्ता बन रहा है अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है क्या है? हाँ, इसमें बढ़िया काम चला हुआ, मतलब बढ़िया काम चल रहा है जी। और सरपंच ने जो काम किया है बढ़िया, बहुत अच्छा है, मेटेरियल अच्छा लगाया है, अच्छा लग रहा है। और ये जो रास्ता अब तक नहीं बना था, बिल्कुल कच्चा था, इसके बारे में आप बढ़िया बना जी। अच्छा, हमारे भाई गिरिराज सिंह जी हैं, रुकवा दियो जी, पहले उधर वाहन ने पास करवा दियो, फिर बात पीछे फेरे हमें माल पड़ा उठवा दियो, हाँ। फिर दोबारा थे, अब मतलब ये नए ऑब्जेक्शन उठा रहे, ने बनाए हुए, अब यहाँ में ये ऑब्जेक्शन उठा रहे, हाँ, जो कि गलत है। कुछ लोगों ने इस पर सीएम विंडो लगाई है कि भाई ये रास्ता नहीं बनना चाहिए था, और आपके हिसाब से तो ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बसावट है, और यहाँ पर दो कुओं की रास्ता है, आड़े का रास्ता है, और लोगों ने यहाँ पर बहुत से प्लाट लिए हुए हैं। देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आपने सामंजस्य मिलाने का प्रयास किया है, और साथियों बहुत सारा कम समय था, इसमें सामंजस्य मिला पाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, आप सोच सकते हो। अब सतदेव भाई के ऊपर आरोप हैं गांव के लोगों के, और कुछ प्रश्न हैं गांव के लोगों के, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि गांव के लोग अपने सवालों के जवाब भी जानना चाहते हैं सतदेव भाई से। तो कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही लो कैटेगरी के हैं, लेकिन पूछना पड़ता है, कुछ भाइयों ने पूछे हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं समाज के लिए, गांव के लिए, और आपके लिए भी। तो आप प्रश्नों को उठाते हैं, आरोपों को लेते हैं। तो सतदेव भाई, अब हम आपसे आरोपों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि राशन का कोटा, ये प्रश्न है, आरोप नहीं है, राशन का कोटा 90% वो लोग ले रहे हैं जिन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, इस विषय में आपने कोई कदम उठाए या फिर कोई प्रयास किया, इसके बारे में बताएं थोड़ा। ऐसा है, पहले जो भी हुआ उसका तो मुझे पता नहीं है, किसका बीपीएल है किसका बीपीएल नहीं है, लेकिन अब जो लिस्ट नई गई हुई है उसका मैंने सर्वे करवाया है, अपनी देखरेख में करवाया है, जो गरीब लोग हैं बिल्कुल जो इसके पात्र होने चाहिए उनका ही बीपीएल कार्ड बन के आएगा। अच्छा, अन्यथा जो सक्षम नहीं है, जो खाते पीते घर हैं, जिन पर ज़मीन है, बच्चे लग रहे हैं, उनका बीपीएल नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा, अगर किसी का बन भी जाता है, हाँ। तो मैं उसके खिलाफ हूँ, उसका राशन कार्ड कटेगा। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छी पहल है, और ये पहल होनी भी चाहिए थी। अगला प्रश्न है सतदेव भाई, हॉस्पिटल की बिल्डिंग खराब हो रही है, इसकी तरफ कोई कोशिश की? जो आपके गाँव में सरकारी हॉस्पिटल है उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। हॉस्पिटल के बारे में ये कोशिश है कि ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में हॉस्पिटल बिल्डिंग ख़राब हो जाए, वो जब पहले से ख़राब ही, तो क्या मैंने दो दिन में वो मैंने ख़राब कर दी क्या? उसमें ज़्यादातर जो लोग गांव के ही लग रहे हैं, कल मैंने उनसे सबसे बोल दिया, भाई उनकी टाइम पे सफाई करो और देख रेख करो, कोई कमी है तो पंचायत तुम्हारे साथ है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न है, क्या कभी हॉस्पिटल का स्टाफ पूरा हो पाएगा? ये प्रश्न पूछा है राजेश गौरक्षक ने, और साथियों हम नाम उसी भाई का लेते हैं जो भाई अपना नाम देता है और कहलवाना चाहता है, बाकी अन्य जो प्रश्न पूछते हैं हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, गुप्त रखते हैं हमारे के नाम को। तो राजेश गौरक्षक ने पूछा है, कभी क्या कभी हॉस्पिटल का स्टाफ पूरा होगा? जब तक गांव राजनीति से हटके अगर काम नहीं करेगा ना, तो स्टाफ पूरा नहीं होगा, पूरे गांव को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, किसी मंत्री के पास या सीएम के पास जाना पड़ेगा, और
इसका स्टॉप तभी पूरा हो पाएगा। तो अगर गांव राजनीति से हटके काम करेगा तो हाँ सही बात, राजनीति से हटना पड़ेगा हमें इसके लिए। उसके साथ गए, उसके साथ गए भाई, उसके नंबर ज्यादा बन जाएंगे, ये चीज सब छोड़नी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात। क्या सरपंचों को वोट कटने का डर रहता है किसी काम को करने में? मान के चलो आपने एक थोक का काम करवा दिया, दूसरे का नहीं करवाया तो दूसरे थोक की वोट कट जाएंगी, इसके विषय में आप क्या कहोगे? किसी को सरपंच को रहता होगा वोट कटने का डर, मुझे तो वोट कटने का कोई डर नहीं है। अच्छा, मैं तो सभी लोगों के साथ काम करता हूँ, सभी लोगों की सोच के साथ काम कर रहा हूँ। और अगर भाइयों को ये लगता है कि ये सरपंच जी के पद के लिए ये काम कर रहा वो कर रहा, मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं मैं इलेक्शन लड़ रहा। अच्छा, इलेक्शन नहीं लड़ रहे अगली बार? अच्छा अच्छा, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न ये है, सरपंच जी अमित और उनके कुछ साथियों ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति और पार्क के लिए बोला था आपसे, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं, क्या कार्रवाई हुई या हो पाई या नहीं हो पाई, या क्या सोच है उसके बारे में? हाँ, मुझसे गौरक्षक दल है, पूरे दल ने ही मेरे साथ बैठ के मीटिंग करी, और भाई शायद मेघ श्याम भी थे, और उन्होंने कहा कि भाई अगर पार्क बना रहे हो या ना बना रहे तो गांव में कहीं ना कहीं मूर्ति लगवा दो भगत सिंह की। अच्छा अच्छा, मैंने कहा ठीक है भैया, कोशिश करेंगे जैसे भी है, और बाकी कोशिश ना हम बिल्कुल लगा के दिखाएंगे। अच्छा, मूर्ति 100% लगेगी। अच्छा जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, इसको देखते हुए जब मूर्ति लगेगी हमारे शहीदों की और हमारे बहादुर वीरों की, तो लोगों को भी उत्साह होगा, मतलब एक तरह से प्रेरणा मिलती होगा, बच्चों में उत्साह होगा, देश के प्रति भावना बढ़ेगी, देश के प्रति भावना बढ़ेगी, और बहुत ही अच्छा होता है, ये करना भी चाहिए काम, तो आप करवा के रहोगे इस काम को, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न ये है आपसे, गाँव के चौराहों और फिरकी में लाइट की व्यवस्था अभी तक भी नहीं हो पाई है, अभी तक भी, तो बताइए। हमारी कुछ गाँव की जो जनता है वो खुद समझदार हैं, लेकिन क्या है आजकल देखो बनकी लकड़ी है चारों तरफ, गांव की तरफ बनकी लकड़ी ख़त्म ना होने मारी। अरे भैया तुम पे ठीक है, कुछ तुमने लकड़ी डाल दी, पर उनने थोड़ा सा हटाया के थोड़ा साफ सफाई भी कर ले करो, जहां तुम डाल रहे हो अपनी जगह जहां डाल रहे हो उसे तो सफाई कर लो, तुम दूसरे की जब सफाई करेंगे। सही बात है। तो पहले वहां जैसे साफ सफाई हो जाएगी, उसके बाद में लाइटन को यू है, जो पहले लाइट लगी हुई वे जल्दी ख़राब है, जहाँ हम सोच रहे हैं थोड़ा सा हमने एस्टिमेट बना के भी भेज दिए हुए लाइटन को, सौर ऊर्जा वाली लाइट लगेंगी। अच्छा, हाँ वो ज़्यादा टाइम तक चलें। सही बात, सौर ऊर्जा वाली लाइट है। सही बात, और कनेक्शन वाली तो आप लगा भी नहीं सकते, वैसे भाईचारे में बिजली बोर्ड से कह के लगा लो अलग बात है, भाईचारे से हमने कह के और बिजली बोर्ड से कह के गांव में जैसे ब्रिज पर कमा चली उसमें हमने कुछ बल्ब लगवाए, जाते यात्रियों ने कोई परेशानी ना रहे। सही बात, तो वहाँ पर आपने बंदोबस्त किया था लाइट, बंदोबस्त किया था लाइट, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपसे ये है, गाँव में मुख्य द्वार किसी महापुरुष के नाम पर बनना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं? हमने विचार बनाए थे, हमारी पंचायत ने विचार बनाए थे, लोगों के साथ बैठ के विचार बनाए थे कि किसी महापुरुष के नाम पर द्वार बनना चाहिए। अच्छा, और हमने विचार बनाए थे यहाँ जहाँ से ब्रिज परिक्रमा होकर गुजरती है लालदास बाबा जो मंदिर है वहाँ पे, लेकिन क्या है हमारे पास टाइम तो कम है, हमने ठेकेदारों से बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि 3-4 महीने लगभग इसमें लग जाते हैं। अच्छा, तो हमने कोशिश करी, वे ठेकेदार आए भी देखने के आए, पर उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो भैया हमारे पैसा बढ़ जाए, मैंने कहा मैंने कोई दिक्कत ना, अगर हम ना देंगे तो गलत सरपंच दे देगा, पर वो नहीं, लेकिन वे नहीं आए, बाकी हमारी सोच तो थी। अच्छा, सोच थी आपकी? हाँ, सोच थी, बहुत ही अच्छी बात है। और हर एक द्वार पर कैमरे की व्यवस्था हो जाए तो कैसा रहेगा गांव के हर एक द्वार पर? गांव के हर एक द्वार पर अगर कैमरे की व्यवस्था हो जाएगी तो गांव में एक देखभाल अच्छी रहेगी कि गांव में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जैसे मान लो कोई आदमी ड्यूटी चले गए और भैया दस आस पड़ोस में गए भैया रवानी आपस में लड़ाई है जा दो उनकी, सही बात, वो हद घुस जा कम तक हम आया कहीं तो निर्णय खेल लेंगे भैया लड़ाई कौन को खोट है हमें, सही बात, काई पर हो ये लड़ाई। और जैसे कि आजकल आप पता है नए नए छोटे छोटे बालक न उठा ले जाएँ गाँव में, तो बालक न उठा ले जाएँ तो बाकी जो पता पड़ जाएगी भाई कौन आयो कौन सी मोटरसाइकिल पर आयो पैदल आयो ढाटो लगा के आयो तो ये पता चल जाएगी यूँ लेके गए हो बालक। सही बात है, साथियों गलत गतिविधियों के बारे में पता लग जाता है कैमरा की अगर सुविधा हो जाती है गांव के अंदर। आपको पता है गांव में थे लालदास बाबा पे थे भी ट्रैक्टर चोर गो, एक पंडित जी ने हमारे दादा रोशन लाल शर्मा जी हैं बहुत बढ़िया आदमी हैं, उनका भी ट्रैक्टर चोर गो, तो इन चीज़ें पता लगाने की मतलब बढ़िया बन जाए। हाँ, इनसे ज़्यादा मतलब छानबीन की जरूरत ना है, वो कैमरा से अंदाजा लग जाए कौन कौन ना हो आए बाहर को गाँव को। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। युवाओं के लिए ट्रैक खेल का मैदान जिम की व्यवस्था पर कितना जोर दिया जा रहा है आपके शासनकाल में? स्कूल का जो ग्राउंड है सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड है वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें वहाँ सफाई कर्मचारी लगाने, कुछ हमने
सरकारी भी लगाए प्राइवेट कर्मचारी भी लगाए, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी घास और वो सूख रही सी खड़ी। फिर हमने वो सब जब आए गए वहाँ कह रहे कि ऐसा सरपंच साहब साफ करवाए, तो फिर हमने वो साफ करवाया जी। उसके बाद फिर हमने वहाँ मन मनाया, जैसे अब ग्रांट फिलहाल कम है, जैसे ग्रांट आएगी सबसे पहले वहाँ एक स्कूल में ट्रैक बनवाया जाएगा, और यहाँ जो स्वदेशी हमने इसका वो नक्शा भी तैयार करवा लिया और एस्टीमेट भेज दियो प्लेग्राउंड का, यहाँ जो टूल टैक्स पे लगभग 2.25 किला है यहाँ पर ग्राउंड बनेगा, और बच्चों ने फिर सड़क पर दौड़ने की जरूरत नहीं है, फिर वह ग्राउंड में रेस भी कर सकें, मानापट्टी साइड में, हाँ मानापट्टी साइड में सही बात है, रेस भी कर सकें उसमें और प्राणायाम भी कर सकें, और वहाँ और वहाँ ओपन जिम की मशीन भी लगवाई जाएगी वहाँ में। अच्छा, ओपन जिम मशीन ग्राउंड में ही, ग्राउंड में ही, हाँ। तो इसके लिए आप पूरी तैयारी कर रहे हो? पूरी तैयारी कर रहे हैं। कोई सबूत है आपके पास? सबूत भी है। अच्छा जी, हाँ जी, तो बहुत ही अच्छी बात है, सदैव भाई इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है गांव के लिए। अगला प्रश्न ये है, आवारा पशु नालियों का पानी पी रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था की दिशा में कितना प्रयास आपने किया है और क्या आप कर रहे हो, इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। आवारा पशु के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँ, पहले जब हम छोटे छोटे से तो मैं देखे कर रहा हूँ हर घर के सामने, चाहे तो कई बार गाय जा रही है यहाँ से रोटी ले ली, वहाँ से रोटी खा ली बेचारी ने, और फिर पानी पिला दियो। आजकल तो हम कहीं देख रहे हो काम में कोई 100 में तो 1-2%, जब हम देखभाल नहीं कर रहे तो वे बेचारी नाली इनको पानी पीवेंगे। सही बात है, हम सब है या हम आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना पड़ेगा, तभी हम आवारा पशु जो गंदे पानी थे पीने से रोक सकें। सही बात, हर आदमी का फर्ज है गौ की सेवा करना और गौ हत्या रोकना। सही बात, जब ही गौ हत्या रोक सके। लेकिन लोग ये कहते हैं कि सरपंच साहब ने कोई पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं की आवारा पशुओं के लिए, और आवारा पशु यूं ही घूमते हैं, तो क्या सिर्फ आपका ही फर्ज बनता है या फिर गांव वालों का भी फर्ज बनता है? हर आदमी का फर्ज है गौ की सेवा करना। गौ माता सिर्फ सरपंच की है या फिर गांव वालों की भी है? गौ माता पूरे देश की है, पूरे गांव की है, सबकी है, सब मिल के काम करेंगे तभी गौ माता की सेवा की जा सके। सही बात। तो साथियों मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इसको आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हो कि गौ माता और जो आवारा पशु हैं वो हमारे ही तो हैं, अगर हम अपने पशुओं को खुद पानी नहीं पिला सकते, कोई जो आवारा पशु है वो जो नालियों का पानी पी रहा है उसको आप देख भी रहे हो, तो अपने घर से एक बाल्टी पानी लाकर उसको पिला देने में क्या हर्ज है? अगर इंडिया में से एक एक लोटा पानी बहा दिया जाए हर घर से तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी, तो क्या आप अपने आवारा पशुओं को पानी नहीं पिला सकते? ये तो थोड़ी सी सोचने की बात है। हालांकि सरपंच साहब अपना काम करेंगे, ये भी अपना करेंगे, जो भी प्रयास होगा। वाटर सप्लाई जो कनेक्शन है वो उस पानी को गंदी नाली में तो बहा सकते हैं, लेकिन एक बाल्टी घर के सामने पानी नहीं रख सकते, जिससे कोई कुंडी बना के रख दें, छोटी छोटी कुंडी भी बना रखी है बहुत सी जगह मैंने देखी है, और चलो बाल्टी भर के रख दो कई बार, फिर वे गंदे पानी क्यों पीएंगे? सही बात है। तो आप ये जो बात कह रहे हो कि भाई एक गड़ू डालेंगे तो पाकिस्तान भेज जाओ, क्या जोर पर रहोगे हम उनमें जो गौ हत्या जो हैरी हैं जो हर आदमी है, या हमें आगे बढ़ चढ़ के काम करना पड़ेगा, तभी काम होगा। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सही बात। सरपंच कौन है? सरपंच गाँव ने बनाया, गांव नहीं बनाया है, गांव ही हर तरह की देखभाल करनी पड़ेगी। और ये बात सही भी है साथियों, जब तक आप नहीं उठोगे, आप कमान नहीं संभालोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप आरोप लगाते रहोगे तब तक आपके पशु भी ऐसे प्यासे मरते रहेंगे। और ये बताइए आप, थोड़ी छोटी सी बात है, गौ माता क्या सिर्फ सरपंच साहब की ही गौ माता है? वो आपकी नहीं है, आपका फर्ज नहीं बनता है? इतना तो फर्ज सबका बनता। हमारे बुजुर्ग होते थे वो घर के सामने पानी भी रखते थे, कोई गाय बाजार घर के दरवाजे पर आ जाता था तो उसके लिए न्यार भी रखते थे, यानी कि चारा भी रखते थे और रोटी वगैरह भी खिलाते थे। लेकिन आजकल तो ये प्रथा बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, लोग गौ तो बहुत दूर की बात है, उसको घर के सामने खड़ा तक नहीं होने देना चाहते और फिर दुहाई देते हैं कि गौ रक्षा की। हाँ जी, अगला प्रश्न है आपसे, किसी ने कहा है कि आपसे जो उम्मीद थी वो काम आप नहीं कर पाए, सिर्फ सफाई में ही समय निकाल दिया और फिर भी सफाई नहीं हो पाई, इस भाई से आप क्या कहना चाहोगे? देखो सफाई का काम भी बहुत ज़रूरी है, साफ सफाई नहीं रहेगी तो गांव में मच्छर रहेंगे, गंदगी फैलेगी, गंदगी जो फैलेगी तो हमारे बच्चे समय पर जैसे स्कूल तैयार हैं, कहीं गंदगी को मान लो मच्छर मिल गए, मान लो गंदगी में तो बीमार रह जाएंगे, डॉक्टर के पैसे जाएगा, हमारे घर को नुकसान होगा। तो सफाई बहुत ज़रूरी है और हर आदमी को कर्तव्य है साफ सफाई से रहना चाहिए, अपने घर के सामने सफाई करनी चाहिए, अपने घर में भी सफाई करनी चाहिए।
और ऐसी बात नहीं है, हमने ये सफाई करी कि ना करी, हमने गांव में रास्ता भी बनवाए, पार्क को भी काम चल रहा है, और काम की और भी अब एक चीज़ जितना हमने काम करने की कोशिश करी है ठीक है, कुछ भैया नहीं लग रही है, उम्मीद ज़्यादा ही, लेकिन हमारे पास समय कम था, सही बात है, और आगे भी थोड़ा कम समय रह रहा है, कोशिश करेंगे कि हम सब भैया के काम हों, लेकिन फिर भी अगर कई भैया को ना हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। सही बात, बहुत ही अच्छी बात है, सफाई भी जरूरी है सरपंच साहब गाँव के लिए। अगला प्रश्न है आपके ऊपर, अब आरोप है कि दूसरे आदमी काम करवा रहे हैं आपके साथ, आप सिर्फ नाम के ही सरपंच बने हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं खुद सरपंच नहीं हूँ, गांव का हर शख्स सरपंच है, मैंने सबकी सोच के साथ काम किया है, और कोई आरोप लगाता है वे बेबुनियाद आरोप है। नहीं, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं ना कि आप तो सिर्फ नाम के सरपंच हैं, जबकि सरपंची तो कोई और कर रहा है, ये आरोप बेबुनियाद हैं। हमारी पंचायत, गांव के लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, ऐसी उनकी सोच गलत है। ठीक है, चलो गलत है, यानी कि सरपंच तो सारा गांव ही है, सबके साथ मिलकर आप चल रहे हो, चलो ठीक बात है। अगला प्रश्न है आपसे, अगला आरोप ही है, प्रश्न नहीं है, जब लोग आपसे किसी काम को करवाने के लिए कहते हैं तो आपके साथी उनसे कहते हैं कि इतने से दिनों में सरपंच क्या क्या काम करवाए, और तुम लोगों ने पुराने सरपंचों से तो कभी किसी काम के लिए नहीं बोला था, सिर्फ सद्दे भाई से बोल रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहोगे? हाँ, कुछ भाइयों से मैंने कह भी दिया है, भाई एक चीज़ बताओ, जब जो काम 65 साल में ना हो क्या वो 2 महीना में हो सकते हैं? अच्छा, अगर मैं उन भैया अंदर जो कह दूँ भैया तैयार काम है जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, चिंता मत करो, तो वे आदमी बिल्कुल खुश है कि वह सरपंच बहुत बढ़िया, तो इस तरह की मुझ पर झूठ नहीं बोलता मैं, भाई झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है, वो भाई 3 दिन पीछे फिर मिले मुझे वन भैया ये काम ना कैसे ना हो सरपंच, दो जो कह रहो जो कह रहो, तो भैया काम हम बिल्कुल अपने हिसाब से, गांव के हिसाब से, पंचायत के हिसाब से ठीक कर रहे हैं। सही बात है, और आपके जो साथी हैं वो कुछ कहते हैं इस विषय में, ये प्रश्न ये है कि आपके जो साथी हैं आपके साथ रहने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई दो महीने में आप क्या करवाओगे, क्या क्या कर पाएंगे, तो क्या साथियों को इस तरह से कहना चाहिए, या फिर कई बार एक कहावत कही जाती है कि सरपंच को मत देखो, सरपंच के साथ जो लोग काम करते हैं उनको देखो, वो सरपंच ही करवाते हैं अपने सरपंच पर या कुछ और काम करवाते हैं, तो उन भाइयों के विषय में आप क्या कहना चाहोगे इस विषय के ऊपर और बताइए। ठीक है, उन भाई ने भी ऐसा लगे कि वह हमारा सरपंच है, हम सरपंच पे तो या काम करवा लेंगे या करवा लेंगे, और मैंने सब भैया के साथ तो कोशिश करी है काम करने की, और काम हमारे चल भी रहे हैं, तो उन भैया ने मायूस ना होना चाहिए कि उनने और हमारे साथ रहना चाहिए, कंधा कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, हमारे साथ जाना चाहिए, आना चाहिए, कि यूँ देखो टाइम कितना 2-3 महीना क्या रहे, एक जब बच्चा जन्म ले है ना, बच्चा जन्म ले तो धीरे धीरे हाथ पाँव मन चलावे, फिर घुटमन डोले, सही बात, उसके बाद फिर 9 महीना 10 महीना बाद या 1 साल बाद फिर वो चले है, तो भैया हाथ जोड़ के हमारा जो निवेदन है, हम पे समय कम है, हम सब भैया ने कोशिश कर रहे हैं खुश करने की, और कोई भैया अगर खुश होने तो भैया रह भी जा, कोई गलती है भी जा, तो भैया वाक नहीं, हम भैया माफ़ी मांगे। सरपंच साहब आपने जवाब नहीं दिया जो मैं पूछ रहा था, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो आपके साथी हैं, साथी पहले से पहले लोगों को ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास टाइम कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई सद्देव ते तो बात हो नहीं पाती, उससे पहले उसके जो साथी हैं सद्देव के वही हमें तो गरिया देते हैं, कहने का मतलब ये है मेरा सिद्देशी भाषा में, तो इस विषय में क्या? कई बार ऐसा है चाहे तो मेरे से ना मिलेंगे, वे खुद से तो मिलेंगे भी उनते ही, तो उनते मिलेंगे तो वे जवाब उन पर दे लेंगे, वो पे थुल लेंगे, हाँ अगर मेरे से मिलेंगे जवाब मैं दूंगा। सही बात, ठीक है, हमारी पूरी पंचायत और गाँव के लोग कुछ मिलकर सभी काम कर रहे हैं, तो वे उनसे ज़्यादा मिलेंगे तो वे ही जवाब देंगे, मैं तो जवाब दूंगा भैया इस बात में, तो मिलना चाहिए आपसे तब आपसे जवाब मिलेगा, सही बात है, तो सद्देव भाई से मिलें तब आपको जवाब मिलेंगे। अगला प्रश्न ये है सद्देव भाई, लोग कह रहे हैं कि पहले तो आप प्रहलाद पहलवान जी से दूर दूर रहते थे, लेकिन अब आप दोनों साथ रहते हो, और जनता कह रही है कि सरपंची तो प्रहलाद पहलवान जी ही कर रहे हैं, आप तो सिर्फ मोहर लगाने पर हो, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये आरोप बेबुनियाद हैं, हमारी 3-4 बार मीटिंग हुई है, और आज तक किसी मेंबर से पूछ के देख लीजिए, चाचा प्रहलाद जी, हाँ दादा प्रहलाद जी हमारे, आज तक मेरे घर ही ना आए, अच्छा जब से मैं सरपंच बने हूँ आज तक मेरे घर ही ना आए, लेकिन लोगों का कहना ये है कि सरपंच ही प्रहलाद पहलवान जी ही कर रहे हैं, वो उनकी सोच गलत है ना, जिसकी सोच गलत रहेगी वे कुछ भी कह सकें, सही बात,
तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम अपनी सोच के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, आप हाँ जी बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है और बहुत ज़रूरी प्रश्न है सबके लिए, आपके लिए भी और जनता के लिए भी। आपको अकाउंट में 85 लाख रुपए मिले थे, वो कहाँ कहाँ पर लगाया और कितना अभी तक बचा है, इसके विषय में जनता को बताएं। मैं उस भाई का धन्यवाद करूँगा जिस भाई ने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि आप भारत देश में जन्म लिया है आपने, और आपको पूरी पावर है कि आप किसी से भी सवाल कर सको। सही बात। और आप पे पूरी देश की हर शख्स पे आज़ाद है, इस देश का मतलब ये हर शख्स कोई भी सवाल किसी से कर सके। सही बात। इसमें मेरा ये उत्तर है कि 85 लाख तो नहीं मिले, उस भाई पे कोई गलती हुई है। अच्छा। लगभग 50 लाख के करीब पैसे थे। अच्छा। और हमने गांव में काम किए हैं, कोई पेमेंट भी की हुई है, और हिसाब तो उसके बाद ये भी तो है, हम बाद में जब हमारी जो पंचायत है जो फिलहाल है, उसके बाद जब ये पंचायत का लास्ट टाइम होगा, जब ये पंचायत हमारी एंड होगा इसका, उसके बाद हम गांव वाले ने बुलाएंगे और हम इसका पूरा हिसाब देंगे, पूरा विवरण देंगे कितना पैसा हो। और अभी भी किसी को चाहिए तो अभी भी किसी भैया चाहिए तो आ सके और पूछ सके और देख सके। अच्छा। हाँ, तो आ सकता है, अभी भी कोई आ सकता। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। और अब हमारे साथ अजीत मास्टर जी भी जुड़ने वाले हैं। अब हमारे अजीत मास्टर जी कुछ प्रश्न पूछेंगे सरपंच साहब से। जय श्री राम। सरपंच साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये कमीशन का वो आता है नाम, कि कमीशन खाते हैं ब्लॉक मेंबर, वार्ड मेंबर, या फिर सरपंच या सांसद एमएलए, ये कमीशन क्या चक्कर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं अजीत मासी जी, आप यहाँ आए और तिरछी बात चैनल पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये जो कमीशन है ना, ये सिर्फ भ्रष्टाचार है। अच्छा जी, भ्रष्टाचार है बस, और कुछ नहीं है। मुझे कहीं किसी कानून मुझे ये दिखा दो कि सरपंच या कोई एसडीओ या जे कमीशन लें, वो को दिखा दो। मतलब ये उसमें नहीं आता कागजों में लिखा ना, ये कहें सरपंच 10% तो कमीशन है ही, 10% तो कमीशन है ही। हाँ। क्या कमीशन है? अच्छा, जितना आता है उतना ही लगाना पड़ता है। अच्छे काम करो, अच्छी तरह पैसा लगाओ। अच्छा जी, कोई कमीशन नहीं रहे सरपंच को। तो फिर जो लागत लगती है अपने जेब से पैसे से, उसका कैसे निकलता है वो भाई? उसको ये थोड़े, तुमने जो गांव में खाओगे तुमने पैसा लगाए हो, जो गांव के काम करने के लगाए हो, जो थोड़े तुम जेब से पैसा लगा रहे हो भाई, उसके बाद कमीशन अंतर या गांव में खाएगा जब अपने वाले करेंगे जेब भरेंगे? नहीं नहीं, जब हम इलेक्शन के चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जो पैसा लगाते हैं वो अपने पॉकेट से लगाते हैं, जेब से लगाते हैं, अपने घर से लगाते हैं, घर फूक के या मतलब जमीन फूक के कैसे लगाओ जी? तो जब हम पैसा लगाते हैं वो पैसा कैसे निकलता है? 15-15, 20-25, 25-25 लाख तक खर्च हो जाते हैं, वो कैसे निकलता है कमीशन भाई? तुम कमीशन के नहीं है लगा रहे हो पैसा। हाँ, काम की सेवा का नहीं है पैसा, तुम सेवा भाव के नहीं है इलेक्शन लड़ रहे हो। अगर तुम कमीशन के नहीं है, जो ये कमीशन आवेगा यू पैसा आवेगा या खा जाएंगे या हमारा पैसा लगा रहे हो, तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। तो अब जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेंबर, सरपंच, जिला पार्षद, एमएलए, ब्लॉक मेंबर, जो कुछ है, अपनी जेब से जो पॉकेट से पैसा लगा रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार बनने के लिए बना रहा है कि जितना पैसा उसने लगाया है वो उससे कई गुना निकालेगा। हम ये कई बार बता चुके हैं और आज फिर सरपंच साहब से मैंने क्लियर कर लिया है। और रही बात हिसाब की, किसी भाई ने प्रश्न किया था कि 85 लाख सरपंच साहब के खाते में आए और उनका हिसाब दीजिए। भाई, हमारे भाई साहब कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि जो गाँव के मुखिया पद मिला है, सरपंच पद मिला है, मैं उसकी बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई साहब का, और हाँ गांव बस्ती का, कि जिन्होंने छोटी उम्र में इतना बड़ा पद दिया और हमें हमारा जो संचालन करने के लिए जो भाई साहब को चुना। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग हिसाब मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं भाई? आज तक 1968 पंचायत राज चल रहा है और आज तक कई कई योजना एक एक आदमी ने सरपंची कर ली, आज तक किसी ने हिसाब दियो? जो भैया जिन पर रह ऐसे भी है कि जिनने अपनी जमीन गिरवी रख के, गहने रख के जब जाकर इलेक्शन लड़े हुए और आज भी धराड़ लोगों में गने जा रहे हैं, कमीशन खाएंगे। अब भाई साहब ने कही सब कमीशन खाओ, भ्रष्ट बनाओ दे इसे, कितनों को खाओ।
हिसाब मांगे हिसाब बालक के, अगर तुम 100 रुपया दे दियो, 100 में तो अगर 30 रुपया की सामान मंगा रहे हैं, 70 रुपया को उल्टा वापस में हिसाब ना देगो बालक की। जब हमारा बालक हमें हिसाब नहीं दे रहा तो हमारी औकात क्या है कि हम अपने मुखिया पे हिसाब मांगे? नहीं हिसाब तो मांग सके, नहीं हिसाब मांग सके ठीक है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब लांछन लगाया जा रहा हो ठीक है, आज तक किसी सरपंच ने अगर हिसाब दिया हो तो मुझे मिल ले आके भाई भाई किसी भी सन 68 से पंचायत राज चल रहा है और हमारे गांव में गांव सोंद में किसी ने भी हिसाब दिया हो कि मुझ पर आगे से इतना मिला है और इतना मैंने लगाया है, इतना मेरे पास बचा है, इतना मैंने घर में लगाया हुआ अपने में, इतना मेरे को फायदा हुआ है, कहीं दियो आज तक? पर भाई साहब ने अभी अपने मुख से कहा है कि मेरे पास 85 लाख तो नहीं आया, 50 लाख आया है, मैंने कुछ कमीशन में दिया है, मतलब उन ठेकेदारों को वो दिया है जो पैसा लगा कहीं लगाना पड़ता है, रास्ते बनते हैं, हाँ रास्ते बनते हैं उन पे भी दिया है। और भाई साहब हिसाब भी देंगे जब पंचायती राज भाई साहब का पूर्ण हो जाएगा, अपने बस्ता को जमा करते हैं उस समय पूरे गांव को इकट्ठा किया जाएगा। और मेरे कार्यकाल में कोई मुझसे गलती भी रहेगी हाँ जी तो मैं उस गलती भी स्वीकार करूँगा और गांव जो मुझे सजा देना चाहेगा मैं उसको हकदार भी रहूँगा। बहुत ही अच्छी बात है। तो आज तक जो इतने गलत कारनामे हुए हमारे गांव में सरपंची में भी मेम्बरी में भी, आज तक कई सजा मिली भाई साहब? चलो कई ने हिसाब दियो आज तक नहीं बताऊ जो आप पे जो उन, मैंने नहीं करा, मैं आपकी तरफदारी कर रहा हूँ कि भाई मैं जाज बात कह रहा हूँ कि आज तक किसी ने अगर हिसाब दिया हो तो मुझे बता दो और भाई साहब कह दी भाई मैं हिसाब दूंगा। चलो सही बात। वो ये है जैसे लोग वो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं हाँ जी, तो मैंने अपना जो मन मनाया है यही है कि मैं गांव के सामने ये पैसा आया ये यहाँ लगाया है, अपने सामने देख लो भैया जैसे भी लगे ठीक है। और जनता खुद समझदार है और आगे भी पंचायत इलेक्शन आने वाला है, फिर खर्च करेंगे, किस लिए करेंगे? सिर्फ कमीशन के लिए, अपने घरें भरने के लिए, अपने पेट भरने के लिए। किसी को ये लगता है कि अब भी सरपंच अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, कोई भैया आप नहीं लगते होगी भाई वो बढ़िया करेगा, अगर वो अगर ये गांव के अगर यावा कह देंगे वह सरपंच जी पद पर हट जा तो मैं आज इस्तीफा दे दूँगा। वो ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है कि बल्ब गाँव में खा जाएगा न्यो है जाएगा आरोप लगाने बेबुनियाद हैं। एक और महानता कि भाई साहब ने कही मैं सरपंच पर त्याग पत्र दे दूंगा। हमारे गांव में 2 घर ऐसे हैं चाहे वोट डिब्बा में एक ही हो, हर बार हर योजना इलेक्शन लड़ेंगे कि उन्हें पता है कि सरपंची में ही है जो कुछ माखन मलाई है, ना जिला परिषद में, ना ब्लॉक में, ना कहीं और पद पर। सरपंची फार्म भरेंगे, हारो या जीतो वार बात ना कहीं जान देंगे नगज करण देंगे। और दूसरे पे आरोप लगाना उनको पहली वो है प्राथमिकता कि फलाने ने ऐसा कर दियो, फलाने ने यूँ कर दियो। भाई जब तम पे है सरपंच ही तो तमने क्यों ना करे, तमने कहीं पे लगाए आरोप या जनता ने तम पे लगाए भाई हिसाब दो या तमने यू काम ना करो, बिना बात की बात करे। वीडियो बड़ो हैरो थो सो अच्छा मैं करूँ निपटाऊँ। सद्दे भाई अगला प्रश्न आपसे ये है, आरोप है आपके ऊपर आपने पुराने ठेकेदारों को पेमेंट नहीं करी, आपने सिर्फ उन ठेकेदारों की पेमेंट की जिनको ठेका आपने दिया था, जिनके पास पुराने टाइम से ठेका था उनको पेमेंट आपने नहीं करी, इसके विषय में आप बताएं। इसके विषय में एक बात कहूँ, ऐसी बताओ जब मैंने काम करवाया ही ना हो ठीक है, सही बात है। मुझे क्या पता भैया तुमने काम करो कि ना करो ठीक है, तुम्हारे पास मान लो जो भी डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन जो पुराने जो पंचायत का रिकॉर्ड था वो पूर्व सरपंच ने अभी तक दिया नहीं है, तो उसमें ही तो पता होगी कि इनने कोई पैसा ले रहा है कि ना ले रहा है, क्या पता इनने पैसा ले रहा है। घोटाले कितने पाए यह बात देखो, और फिर रही बात उसकी उसमें हाँ हिसाब देने। अब जो जिनने नए काम करे हो भैया उनने मैंने पैसा दे दिए, जायज सही है कि जिस दिन से भाई साहब ने सरपंच चालू की है जिस दिन से उस दिन का इधर कोड देंगे, तो ये थोड़ी है कि मैं पूरी बात ये भी आती है साथियों। अगर सदैव यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर सदैव भाई पुराने ठेकेदारों को पैसा देते तो नया काम कहाँ से करवाते, वो पैसा उन्हीं पे चला जाता, फिर बैठे रहते हाथ पे हाथ धर कर, फिर आप ही लोग ये कहते कि भाई काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये तो एक पॉइंट बनता है कि पुराने ठेकेदारों को अगर पैसा दे देते तो नया काम कहाँ से करवाते सदैव भाई, यही बात है ना सदैव भाई? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न ये है आपसे, गांव में वाईफाई के और
एजुकेशन के और आधार कार्ड के बारे में आपके क्या विचार हैं? आधार कार्ड के बारे में ये कि हमारे जो रवि कुमार जी जो मेंबर हैं, फिलहाल मौजूदा मेंबर हैं, उनकी वो ट्रेनिंग पे भी गए और कोशिश ये है जल्दी से जल्दी हमारे गांव में आधार कार्ड बनने चालू हो जाएंगे। और जो डिजिटल लाइब्रेरी है, कैमरा वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ों के बारे में देखो हम पे समय का अभाव है। हाँ सही। और कोशिश कर रहे हैं हम, जितनी कोशिश कर रहे हैं हम, इसके बाद अब रास्ता वस्ता सब बंद है, इसके बाद हम एजुकेशन में और लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड इसकी आगे देख रेख इसकी रहेगी। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हम हमारा कार्यकाल जो सरपंच का कार्यकाल पूरा भी हो जाएगा, उसके बाद भी हम युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है, सही बात है, इस दिशा में प्रयास करोगे। अगला प्रश्न है और अहम प्रश्न है सदे भाई, गांव के मुस्लिम परिवारों में लोगों का आरोप है आपके ऊपर कि आप गांव के मुस्लिम परिवारों में आप ज़्यादा उठते बैठते हो, लोग कह रहे हैं कि राजनीति तो वही कर रहे हैं, क्या ये सच है? ये बेबुनियाद आरोप है। हाँ ठीक है, मैं पूरे गांव बस्ती को सहयोग रहा हूँ, मैं सबके पास जाता हूँ और जाऊँगा भी, ये कोई ऐसा नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, जैसे शादी हो नहीं नहीं, झट सास बहू लड़ाई है जाए, झटू चाह तो बहू आ अपने घर वाले इतना कहने लगे, तू मम्मी तो ना बोले गो, पापा तो ना बोले गो, ये बेमतलब बेबुनियाद ये आरोप हैं। सही बात। भाई माँ बाप तो ना बोले गो, जिन्हें जन्म दियो है, जो जन्मदाता हैं, तो ये जैसे वे आरोप लगा में ऐसे ये लोग कुछ आरोप लगाने चाहे तो गाँव में सबके पास जाया जाएगा। मैं जब जानू जब उनके घर कोई वोट मांग रहे बिना जाए, और भी ना ऐसा कोई हो जो ना गए उनको, सब जाओ उनके घर। और दूसरी बात जो उनके मुंशी मेंबर हमारे जो मित्र हैं, उनके दो भाई देश की सेवा भी कर रहे हैं, फौज में भी हैं, एक भाई उनका पुलिस में भी है, देश सेवा ही है, पुलिस भी देश सेवा ही है, देश सेवा कर रहे हैं। उनका एक चाचा था, उन्होंने भी देश की सेवा करी, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन ये नहीं, ये चीज़ आनी चाहिए, किसी आदमी के साथ गलत आदमी के साथ बैठना ये नहीं है कि मुस्लिम परिवार है ये परिवार इसके साथ मत बैठो। हाँ कोई अगर गलत आदमी गलत कर रहा है हम उसके साथ बैठ रहे हैं तो गलत को गलत कह सकते हैं, और हम उस मैं खुद अगर उसको गलत ना कहूँ तो मेरा मुझ पर आरोप बनता है। और दूसरी बात ये कि अभी भाई साहब तो एक क्वेश्चन आयो कि प्रहलाद मेहमर जी जो प्रहलाद भाई साहब पहलवान जी हम प्रहलाद सरपंच जी कर रहे हैं या फिर मुस्लिम परिवार के साथ बैठ रहे हैं, भाई ठीक है उठा बैठी गांव में सभी के साथ होती है, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हो, कई नेता हैं दिग्गज नेता हैं गांव के जो सरपंची के और मतलब ब्लॉक मेंबर के जिला परिषद इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वे उनके घर नहीं जा रहे, उन घर बैठ भी रहे हैं, चाय पानी भी पी रहे हैं, संपर्क होता है सभी से होता है, नहीं गांव में कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, जितनी वोट का अधिकार बड़े आदमी को डालने का उतना ही छोटे को है। और रही बात बाकी सरपंची की, बस सरपंची फलानों कर रहा है, सरपंची ढेंगो कर रहा है, सरपंची वे कर रहे हैं, सरपंच कर रहे हैं, भाई साहब सब दे, आज से पहले आप अपने युवा भी पता होगी कि बस्ता लट्टे लट्टे डोले हो सरपंची को, जब बसंती ताई हमारी जो भंगी वाल्मीकर में थे ही इलेक्शन लड़े हो उनने, तो उनको जो बस्ता हो नाम बसंती सरपंच बंसी सरपंच, लेकिन सरपंच इन कौन कौन ने करी, जब कहाँ गए ये आरोप और जब कहाँ गए वे पूछने वाले। ठीक बात है जीत भाई, एक क्वेश्चन में तो 20 क्वेश्चन निकले गुरु जी, जब चैनल जब कहा हूं? जब चैनल लामा जब आज एक दिन में वाईफाई लगाओ एजुकेशन लगाओ और ये गांव में चंडीगढ़ एक दिन हम बना दें, जब मास्टर जी किसी की बात दूसरे लोगों तक पहुंचती नहीं थी। अच्छा जी, अब आप लोगों ने जब से ये चैनल बनाया है ना, हाँ जी, इससे लोग बहुत खुश हैं, हाँ, और सबकी आवाज एक दूसरे की आवाज दूसरी जनता तक पहुंच रही है। देखो भाई साहब वो मैं मानता हूं, लेकिन एक दिन में तो चंडीगढ़ गांव में हम पे ना बनाया जाएगा गांव, और ना आप बनाया जाएगा, और ना खुद मुख्यमंत्री ना बना सके एक दिन चंडीगढ़, वो भी काम है धीरे धीरे करा, वो काम में गांव में विकास आ रहे हैं धीरे धीरे होंगे, एक साथ आते ही सरसों जमा जाए कहीं पर। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और ये बात सही भी है। और दूसरा प्रश्न ये है आपसे सदे भाई, क्या आपके गाँव में ATM की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके विषय में आप क्या कहोगे? ATM की व्यवस्था भी होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा गांव है। मैंने सरवरियन ग्रामीण बैंक मैनेजर से भी बात की थी। अच्छा, वे कह रहे कि गांव में थोड़ा एक दिक्कत है, जैसे KCC करवा लें कई बार गांव के लोग परेशान नहीं ना भरें, जब टाइम पे आप लेन देन ना करेंगे बैंक की मान लो तो गांव में सुविधा कैसे होंगी। सही बात, तो जैसे बैंक में अगर टाइम से लेन देन होगी तो वहाँ ATM की सुविधा भी बन जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है, तो उसको भी प्रयास आप कर रहे हो। प्रयास कर रहे हैं।
अगला प्रश्न ये है, अंत में मैं आपसे कहना पूछना चाहता हूँ कि अंत में आप अपनी प्यारी जनता से क्या कहना चाहोगे, कोई संदेश देना चाहोगे? और ये बात तो आपने क्लियर ही कर दी कि आप खड़े नहीं होंगे सरपंची पर, इसके विषय में थोड़ा सा और बताएं सरपंची के ऊपर कि खड़े क्यों नहीं होंगे, क्या जनता आपको खड़ा करना चाहेगी तब भी नहीं होंगे खड़े? सुदेश भाई, जैसे सभी जनता को ये पता था कि गाँव में सरपंच टर्मिनेट होने वाले हैं और टर्मिनेट उसके बाद सरपंच हो चुके थे, तो भाई कौन बनेगा, वो बनेगा गांव में माहौल चल गो इलेक्शन को, तो गांव की जनता ने मुझ पे पूरा भरोसा करयो, प्यार दिखायो और हमारे पूर्व मंत्री जी चौधरी हर्ष कुमार जी ने भी हमारा पूरा साथ दियो, उनने भी मुझे पूरा आशीर्वाद दियो। अच्छा। और गांव की जनता ने भी मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, तभी तो मैं बनी हूँ। एक के बनाने से नहीं बने, पूरी जनता, गांव की जनता जब साथ रहेगी तभी बनेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने एक मिनट, जनता ने नहीं बनाई जी, ये बनाए मेंबर ने। और रही बात बाकी, जनता तो गांव की गुरु जी खिलाफ थी आपकी, मुझे पता, मैं गाँव में घूमता हूँ, चारों तरफ में जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कौन आपके साथ था कौन आपके साथ नहीं था। किसी को बुरा लगे, बिजत लग जाए भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आधे से ज़्यादा गांव आपको सरपंच बनने में राजी नहीं था, मैं इसे चैलेंज के साथ कह सकता हूं। चलो सर, मास्टर जी आपको ज़्यादा पता होगी, हाँ, क्योंकि आप गांव में, क्योंकि मेरी अच्छाई और बुराई दूसरे लोगों, हाँ, को पता होगा, मैं तो खुद अच्छा ही बनाऊँगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को पता है क्या था क्या नहीं था, लेकिन मेरी सोच ये, जो मेम्बर जो पंच थे वो गांव की जनता ने तो बनाए। हाँ जी, गांव की जनता ने बनाया भाई, जब गांव की जनता उन्हें ना बनाती तो मेरे साथ कैसे देते हुए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैं सभी मेंबर का जो मेरे साथ रहे हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आगे मुझे ऐसे पंच मेरे एक भाई के रूप में जन्म लें। और जैसे आप कह रहे कि भाई आगे लड़ने बढ़ने की इलेक्शन की क्या वो है, कि लोगों ने मुझ पर ज़्यादा आसी, और मैं सोच रहा हूँ टाइम ज़्यादा मिलेगा तो कम टाइम, जैसे कम टाइम मिले हो तो सभी लोगों के काम तो मुझ पर हुए नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ करने की, लेकिन मेरा एक प्रायश्चित लगा लो कि आगे मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा कि मुझ पर जनता के पूरे काम तो हुए नहीं है, इसलिए मैं अपना एक प्रायश्चित करना चाहूँगा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। सरपंच साहब, काम तो आपने बहुत किए हैं, पूरे क्या करोगे अब 4 महीने में 3 महीने में, ये तो आप गलत कह रहे हो। अरे इतने काम हो गए, बहुत होते हैं इतने, तो 3 महीने में 2 महीने में और क्या करोगे? कुछ सुदेश भाई, मैंने भी सोच रखा था कि कम टाइम में ही ज़्यादा काम हो, तो मेरी सोच के साथ, जनता की सोच के साथ काम नहीं हुए। ठीक है, आप कह रहे हो काम हुए हैं, लेकिन जनता को जल्दी काम चाहिए। नहीं, काम तो दिखाई दे रहा है, ये एक दिन में चंडीगढ़। हाँ, ये मैंने अभी तो मुझ पर मैंने अभी बताया कि एक दिन में चंडीगढ़ गाँव स्वयं मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकता। ये थोड़ी है कि नायक फिल्म देख ली तो एक दिन में ही मतलब सब चीज़ें मतलब एक दिन में बराबर कर देंगे, नहीं। अजीत मास्टर जी, हाँ जी, सबको एक दिन का सीएम जैसे बना था ना वो, हाँ, क्या नाम है, अनिल कपूर, हाँ जी, वो ही माहौल चाहिए। अच्छा। जनता को, हाँ जी, मैं मानता हूँ जनता खुद तो सुधर ना रही, रास्ता में आपने देखा होगा कि जगह जगह लकड़ी पड़ी, जगह जगह घेरी जा रही है, जगह जगह मतलब वो मेरे सामने, मेरे दरवाजे के सामने जो जगह पड़ी है उस पर बरतने के मैं ही तो आऊँगा, आप तो नहीं आएंगे जी, वो काम भी मेरे ही आवेगी। मैं जगह को वहाँ से हटा के आगे बनाऊँगा जिससे कि रास्ता में आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो, फिर उसके बाद फिर अपनी 10-10 फुट की स्लैब, हाँ हाँ, बताओ ये जनता वह चाहे गाँव चंडीगढ़ बन जाए, लेकिन अपने वहाँ ना देख रही गिरेबान में झाँक के कि हम कितने पानी में और कितने वहाँ में, अपने तरफ देखो। अगर हम किसी उपदेश देने के बजाय हम उस खुद पर अमल करें तभी पता चलेगा कि स्वर कहाँ से बनना है और कैसे बनना है। सही बात, बहुत अच्छी बात है। और सरपंच साहब, आप अंत में अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना चाहोगे? मैं अपने पूरे गांव की जनता का और सुदेश भाई आपका और अजीत मास्टर जी आपका कि जो आपने इस चैनल से लोगों को उपदेश दे रहे हो दिन प्रतिदिन, इसका चैनल का जो दिखावा है, दिखावा नहीं है, एक आपकी एक सोच जो बनी है इस चैनल के प्रति और लोगों के प्रति, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और लालदास बाबा के चरणों में और बाजार देवता के चरणों में मेरा शीश नमन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य साई।
ये तो हमारा काम है गुरु जी, हमारा सौभाग्य कि हमें जनता की सेवा करने का मौका मिला है। बहुत से फिर भी इससे नाराज़ है, कहते हैं कि अजीत मास्टर सेवा नहीं करते, सुदेश मास्टर सेवा नहीं करते। भाई ये तो है ना, हम फावड़ा चला के वाके वाह खेत में कमा काम है। यूँ भी एक सेवा ही है कि हम किसी है उजागर कर दे। मास्टर काम है कि बच्चे पढ़ानो, राह बतानो, पढ़नो ना पढ़नो बच्चे के हाथ काम है कि वो पास होनो फेल होनो वाकी ज़िंदगी पर निर्भर करता है। ठीक बात है, यही काम हमारा है। और रही बात वाकई सरपंच जी, गुरु जी हम आपके सरपंच जी तो बिल्कुल खुश हैं, और जो अच्छे लोग हैं और जो ये चाहते हैं कि मतलब हमें गांव में सरपंच जी में विकास हो, गांव में तरक्की हो, तो आप जैसे सरपंच जी हमें चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा इलेक्शन लड़ें। ठीक है मास्टर जी, आपकी सोच है अच्छी हाँ, है हाँ जी, लेकिन मेरा मन इस बार बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ जी ठीक, मैंने पहले जो कह दिया वो जो कह दिया जी, क्योंकि आप पर दो बार बार सवाल करने से जवाब करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक बार कह दी कि ठीक है, लोगों को ज़्यादा उम्मीद थी, उस उम्मीद में मैं खरा नहीं उतरा, कुछ कमी रहेगी जैसे टाइम कम हो, तो इसलिए मेरा मन नहीं है। यूँ तो जी राम राज थे दुखी जनता आपने सुनी होगी कि सीता माता पर जो पवित्र थी उन पर भी लाछन लगा दिया था, वो भी उन्हें भी वनवास दे दिया था सिर्फ जनता कहने से। वीडियो एक घंटा ऊपर चल रहा है तो बताना चाहता हूँ, मैं लेट आया था ना इसलिए, तो मैंने की कि खुश किसी से नहीं है, भगवान से खुद वो नहीं है सुखी जनता। क्यों मैं ही पढ़ जाए तो बहुत से लोग मैं ही ना पढ़ना चाहिए कि मेरी मतलब एक नुकसान है जाएगा, बहुत से ये सोचेंगे कि मैं ही पढ़ना चाहिए मेरा फायदा है जाएगा। अब भगवान भी दुखी है या जनता थे, तो हर काम प्रधानमंत्री पर भी नहीं हो रहे, जो देश की सत्ता जिसके हाथों में जो कुछ भी कर सकता है वो भी नहीं करता हर काम को पूरा। तो भाई साहब सरपंच साहब, ये जनता किसी के कहने से सुखी नहीं होगी, आप कितना कर लो, कुछ ढीठ लोग कुछ बेकार लोग संतुष्ट होंगे ही नहीं। तो साथियों ये था आज का सद्देव सरपंच का धमाकेदार इंटरव्यू, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और बताएँ आपके मन में क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पंचों का इंटरव्यू हम फिर से लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री लाल दास बाबा। जय लाल दास बाबा।